हाय फ्रेंड्स, मैं हम सूर्या है और आप देख रहे हैं बॉलीवुड क्रेजीज। आज मैं बात करूंगा जॉली एलबी 2 के बारे में और साथ ही बात करूंगा आने वाले हफ्तों में या इस वीक में क्या क्या दिक्कतें उसे हो सकती है उसके बारे में, जैसे कि आज मंडे शुरू हो गया है और इस फ्राइडे को जो फिल्में रिलीज होंगी उनके बारे में बात करूंगा। साथ ही बात करूंगा जॉली एलबी कितने वक्त तक सिनेमाघर पर रह सकती है। सबसे पहले बता दूं, जॉली एलबी जब रिलीज हुई तो उसके साथ काबिल और रईस ऑलरेडी क्लैश में थी अपने तीसरे वीक में, और कहीं ना कहीं अब जॉली एलबी की जो अर्निंग है वो अच्छी खासी बढ़ रही है और 3 दिन की अर्निंग कुछ ही वक्त बाद आ भी जाएगी। तो इस इतना तो साफ है कि 50 करोड़ पहले 3 दिनों में कमा लेगी, क्योंकि 2 दिन का 23 करोड़ तक का अभी तक का कलेक्शन हुआ है। अब बात करते हैं कितना दिन तक चलेगी जॉली एलबी 2 या कितना ज्यादा कमाएगी, वो बहुत ज्यादा डिपेंड करता है सेकेंड फ्राइडे से लेके सेकेंड सैटरडे संडे तक का, मतलब सेकेंड वीकेंड तक का, क्योंकि सेकेंड मतलब इस फ्राइडे जो भी फिल्म रिलीज हो रही है उनके बारे में बता देता हूँ। 4 फिल्म रिलीज हो रही है, तो 4 फिल्म है, कोई ज्यादा बड़ी फिल्म नहीं, छोटे बजट की फिल्म है। और दूसरी फिल्म है इरादा, जिसमें अरशद वारसी है, नसरुद्दीन शाह है। ये फिल्म थोड़ी सी सेंसिटिव है, थोड़ी सी डीप है, लेकिन इतनी बड़ी बजट की नहीं है। तीसरी फिल्म है आई थिंक द गाजी अटैक एक अच्छी फिल्म है और जिसमें तापसी पन्नू भी है और राणा दागुबट्टी है। एक पेट्रोटिज्म की फिल्म है और इंडिया का सबसे पहला वॉर ऑन ए सी फिल्म है। और चौथी फिल्म है runningshaadi.com, उसमें भी तापसी पन्नू आई थिंक अमित शाह है। तो ये 4 फिल्में रिलीज हो रही है जो बहुत ज्यादा टक्कर देने वाली है जॉली एलबी 2 को। तो इसका मतलब आप इतना तो समझ जाइए कि रईस और काबिल का पूरा तीसरे वीक तक पत्ता साफ है मतलब। और जहां तक रहा सवाल जॉली एलबी 2 भी खतरे में है, क्योंकि सेकेंड वीक में 4 फिल्में रिलीज हो रही है, तो बहुत बड़ा जो स्क्रीन काउंट था शायद वो चला जाएगा जॉली एलबी 2 के पास से। लेकिन मुझे लगता है तब तक ये फिल्म आराम से इन 7 दिनों, क्योंकि देखो अगर 3 दिन में ये फिल्म ने 50 करोड़ कमा लिए है और बाकी 4 दिन में क्या ये फिल्म 40 करोड़ तो कमा सकती है, मेरे हिसाब से 30 से 40 करोड़ कमा सकती है और सेकेंड वीकेंड के एंड तक 100 करोड़ कमा लेगी, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन जहां तक मुझे लग रहा था कि 150 करोड़ तक का इसका लाइफ टाइम अर्निंग होगा जॉली एलबी 2 का, अब वो बहुत मुश्किल लग रहा है, क्योंकि ये 4 कॉम्पिटेटिव फिल्में आने वाले हफ्ते में भी है। तो देखते हैं किस तरह से कलेक्शन होता है जॉली एलबी 2 का आने वाले दिनों में। आपको क्या लगता है, क्या ये सेकेंड वीक जो होगा अभी जो फ्राइडे आएगा सेकेंड फ्राइडे, क्या जॉली एलबी 2 सर्वाइव कर पाएगी और कितना कलेक्शंस होगा, आपको क्या लगता है लाइफ टाइम कलेक्शंस कितना होगा? क्योंकि मेरी जहां तक मुझे अंदाजा लग रहा है कि 110 करोड़ तक मैं बोल सकता हूँ, 110 से 115 करोड़ तक का लाइफ टाइम कलेक्शन हो सकता है जॉली एलबी 2 का। आपके क्या थॉट्स है आप जरूर बता सकते हैं। कुछ और बॉलीवुड इंपॉर्टेंट खबर पर चलेगी तो आपको जरूर बताऊंगा। श्री दत्ता के लिए बाय बाय।